इसे सर हमारी हमारी किताब पढ़ने वाले हैं। लेकिन भूल ना जइयो जे आपके चेला बैठे जे सो से कहो यो से ना भूल है लेकिन भूल ना जइयो लेकिन भूल ना जइयो हम श्याम संजीव सही कह रहे हो 12 महीनों तो चलते ही हाँ 3 में गोल्डी है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि घूंघट की आड़ में दिल भर का सिंगार अधूरा रहता है और जब तक न मिले नजरों से नजर सिंगार अधूरा रहता है। दीनदयाल यादव, भीम सिंह यादव, किशोरी यादव ये करमुहा वाले हैं। किशोरी हमारा बहुत अच्छा मित्र है, साथी है, कलाकार है हमारी मंडली का। किशोरी यादव उनके साथियों द्वारा करमुहा वालों द्वारा 50 रुपए में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम क्या भरोसा करें इन पे, क्योंकि जब तुमसे इत्तेफाक मेरी नजर मिली थी अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। जनवरी थी अच्छा
थी कड़ाके की ठंड तू मरा में पड़ी थी, क्या बात है। फिर आई भर भरी उठी झुरझुरी, मारे अपने ले आया मेरा मन करमाया। अपने लिए बात में कौन समझना है जो पीछे ले आओ यादव ही धोखा अक्कल भूतन में हो। मारच अपने ले आया मेरा मन घबराया, मई जून आई। अच्छा खट्टी आ गई मई जून आई। अच्छा तूने ली अंगड़ाई, फिर आई जुलाई हनके हुई। जुलाई में 5% अब तो अपनी जमीन को जोता जाता है ना। फिर आई जुलाई नेता हनके भाई, नेता हनके भाई जुताई धुआई। फिर अगस्त सितंबर आया। अच्छा भूमि इकट्ठा आ गया। आ गया आ गया, हम तो इकट्ठी कुछ साल इकट्ठी गए। अगस्त सितंबर आया, अगस्त सितंबर आया, फिर इनका नंबर आया। अगस्त सितंबर आया, फिर इनका नंबर आया, फिर नवंबर दिसंबर मेरा लगा ना नंबर। जब तुम्हें अकेले में रहना मेरी याद आएगी, आज जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश I'm not afraid to die.
लेकिन आपके लिए जो हकीकत में जो पंक्तियां बनाई है कैसी कि मेरी जिंदगी तुम्हारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी तुम्हारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के इसीलिए यादा तेरी लेकिन कहना है कि मेरी याद में दिल को जलाना नया सुबहाना हमें भूल जाना मेरी याद सूरत बिगाड़ देती है अना को मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है और अच्छे अच्छों को जरूरत बिगाड़ देती है। मैं सोहरब के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ता कि शरीफ आदमी की जिंदगी में जब औरत आती है तो बिगाड़ देती है। इसलिए मेरी याद में तुम्हारा दिल को जगाना ना आंसू बहाना कैसे है नादा ये घुंघरू पाल के एक दिन लेंगे मेरी जान ये घुंघरू क्योंकि आप ही कह रही थी ये बता रहे थे कि अबू लल्ला अच्छा नहीं गाता बहुत बुरा गाता है अच्छा आदमी नहीं है गंदा आदमी है कलाकार ऐसा कहते हैं मेरे बारे में लेकिन मैं जो हूं जब आदमी मुझसे मिले तब पता लगेगा कि मैं क्या हूं कहने से क्या होता है आप हमें मिली हैं अब आप खुद अनुभव करेंगे कि लल्ला क्या है और कैसा कलाकार है कैसा